ये कहानी है दिल्ली शहर की, जहाँ सीमा और उसका भाई सुनील दोनों एक अनजान शहर में अकेले आए थे। सीमा बड़ी थी और सुनील उसका छोटा भाई था। उनके माँ बाप की कार एक्सीडेंट में मौत हो जाने के बाद अब उन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए और क्या करे। वो दिल्ली में शहर से थोड़ा दूर किराए पर एक छोटा सा कमरा लेते हैं। दीदी, अब हम क्या करेंगे? हमें तो खाने का भी नहीं पता कि कब मिलेगा कब नहीं। हाँ भाई, मैं कुछ करती हूँ, तो टेंशन मत ले, शाम को मैं खाना ले आऊंगी। सीमा ने सोचा कि वो शाम को फूल बेचने चले जाए तो वो अपने भाई का पेट भर सकेगी, और वो ट्रैफिक सिग्नल के पास फूल बेचने चली गई। शाम तक सिग्नल पर घूम घूम कर फूल बेचने से जो भी थोड़ी बहुत कमाई होती है उससे वो अपने भाई को खाना खिलाती है और खुद भी खाती है। दीदी, तुम पैसे कहाँ से लाई? मुझे भी बताओ, मैं भी वहाँ काम करूँगा, फिर हम दोनों अच्छा खाना खाया करेंगे। नहीं भाई, अभी तुझे काम करने की जरूरत नहीं है, तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, मैं तुझे अच्छा खाना खिलाऊंगी। फिर अगले दिन सुबह सुबह सीमा उसी जगह पर फूल बेचने चली जाती है। वो बहुत मेहनत करके फूल बेचा करती थी, पर उस काम में से ज्यादा पैसे नहीं बचते थे, सारे पैसे खाने में ही चले जाते थे। ऊपर से सुनील की पढ़ाई भी थी और घर का किराया भी। फिर सीमा को एक आंटी ने बताया कि एक घर में बर्तन धोने वाले की जरूरत है। सीमा, तुझे काम नहीं मिल रहा तो पड़ोस वाली आंटी है, उन्हें एक बर्तन धोने वाले की जरूरत है, तू वहीं काम कर ले, वहां से तुझे अच्छे पैसे भी मिलेंगे। आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं नौकरी की तलाश में ही थी। जब वो आंटी के घर जाती है तो उसे पता चलता है कि वो तो बहुत बड़े लोग हैं और उनके घर में हर काम के लिए नौकर है। मालकिन, मैं अंदर आ सकती हूँ? कौन हो तुम लड़की, क्या काम है तुम्हें? मालकिन, आपको बर्तन धोने वाले की जरूरत थी तो मैं आ गई, मुझे काम की बहुत जरूरत है, आप मुझे नौकरी पर रख लीजिए। अच्छा ठीक है, आ जाओ। सीमा फिर वहाँ काम करना शुरू कर देती है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। सीमा की तनख्वाह ज्यादा तो नहीं होती, पर वो बस अपने भाई की पढ़ाई और खाने का इंतजाम कर लेती है। फीस और घर के राशन पानी में सारा पैसा खर्च हो जाने से उसकी कोई बचत नहीं होती थी। फिर एक दिन उसका भाई कहता है, दीदी, मेरी क्लास के सब बच्चे न्यू ईयर की पार्टी कर रहे हैं अपने घर वालों के साथ, मुझे भी न्यू ईयर पार्टी करनी है, सेलिब्रेट करना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, केक काटना है, बहुत सारे गिफ्ट भी चाहिए। भाई, हम सब करेंगे, तू टेंशन मत ले, मैं न्यू ईयर तक तेरे लिए सारा सामान ला कर दूंगी। अगले दिन जब सीमा काम पर जाती है तो वो इस उम्मीद से जाती है कि वो अपने भाई की ख्वाहिश पूरी करने के लिए मालकिन से कुछ एक्स्ट्रा पैसे ले लेगी। मालकिन, मुझे थोड़े ज्यादा पैसे मिल सकते हैं क्या? मैं अपने भाई की ख्वाहिश पूरा करना चाहती हूँ, वो नए साल पर नए कपड़े और एक केक काटना चाहता है। हाँ सीमा, मैं तुझे दे दूंगी, पर आज मैं कहीं जल्दी में बाहर जा रही हूँ, मेरी एक मीटिंग है, बाद में देती हूँ। मालकिन, आपका शुक्रिया। अगले दिन सीमा फिर से काम पर जाती है, पर उसे उसकी मैडम नहीं मिलती। वो निराश होकर घर आ जाती है कि आज भी उसे पैसे नहीं मिले। जब वो रास्ते में जा रही होती है तो वो देखती है कि एक कार का एक्सीडेंट हो गया था और वहाँ सारी पब्लिक की भीड़ इकट्ठा हो रखी थी। वो जल्दी से वहाँ जाकर देखती है तो उसे पता लगता है कि वो तो उसकी मालकिन ही थी। वो जल्दी से एक ऑटो में उन्हें हॉस्पिटल ले जाती है और साहब को भी फोन कर देती है, लेकिन साहब तो काम के सिलसिले में शहर से बाहर थे। हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद मालकिन को काफी दिन तक होश नहीं आता, पर सीमा कहीं नहीं जाती और अपने भाई को भी हॉस्पिटल में ही ले आती है। जब कुछ दिन बाद मालकिन को होश आता है तो वो अपने आंखों के सामने सीमा को देखती है। फिर उनका पति उन्हें सारी बात बताने लगता है। सीमा, मेरे पति ने बताया कि तुमने ही मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया है और इतने दिन से तुम ही मेरा ख्याल रख रही हो, मैं तुम्हारा ये आभार कैसे चुकाऊंगी, और तुम तो मुझसे एक्स्ट्रा पैसे भी मांग रही थी,
मैं तुम्हें वो भी नहीं दे पाई। कोई बात नहीं मालकिन, ये तो मेरा फर्ज था। अपने मालिक की जान बचाना एक नौकर का फर्ज होता है और मैं तो इस पुण्य को पाकर बहुत खुश हूँ। सीमा, अगर तुम बुरा नहीं मानोगी तो कुछ दिन मेरे घर रहने के लिए चलोगी? अपने भाई को भी साथ ले लेना, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो तुम अपने घर जा सकती हो। नहीं मालकिन, आप कैसी बात कर रही है, मैं बिल्कुल चलूंगी आपके घर। डॉक्टर ने सीमा की मालकिन को एक महीने का बेड रेस्ट बताया था और दूसरी तरफ सीमा का मकान मालिक समय से किराया न मिलने के कारण सीमा और उसके भाई का सारा सामान मकान से बाहर फेंक देता है। दोनों भाई बहनें कुछ दिनों तक इधर उधर भटकते रहे और कुछ दिनों बाद जब मालकिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर वापस आई तो मालकिन की देखभाल करने के लिए वो अपने भाई को लेकर अपने मालिक के घर आ जाती है। सीमा उनकी खूब मन लगाकर देखभाल करती है और मालकिन की तबीयत भी धीरे धीरे ठीक होने लगती है। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में मालकिन अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है। सीमा, तुम्हारा ये एहसान मैं कैसे चुकाऊं? अगर तुम मुझे समय पर हॉस्पिटल न लेकर जाती तो मैं तो आज शायद इस दुनिया में ही नहीं होती। हाँ सीमा, मुझे तो यकीन ही नहीं है कि दुनिया में इतने अच्छे लोग भी हैं जो बिना किसी स्वार्थ के हर किसी की मदद करते हैं और उनके दुख के समय में काम आते हैं। तुमने मेरी बीवी की मुझसे भी ज्यादा देखभाल करी है। वो दोनों सीमा के सामने हाथ जोड़ लेते हैं। अरे मालकिन साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं तो आपसे बहुत छोटी हूँ और मेरी इतनी औकात भी नहीं है कि आप मेरे सामने हाथ जोड़े। सीमा, तुम पैसों से कमजोर भले ही हो पर तुम्हारा दिल सोने का है मेरी बच्ची। मालकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अब आप सही हो गई है, अब हमें चलना होगा। बहुत दिन आपके यहाँ गुजार लिया, अब नया साल भी लगभग आ ही गया है। पर दीदी, हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो घर बिक गया है ना। पागल, तू चुप हो जा, हम कहीं चल लेंगे। सीमा, तुम्हारा घर बिक गया और तुमने मुझे बताया भी नहीं, तुम तब भी मेरी मदद करती रही। मालकिन वो आपकी तबीयत खराब थी, मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहती थी। सीमा, तुम कितनी समझदार लड़की हो, मेरे पास तुम्हारे लिए शब्द नहीं है। तुम आज यहीं रुक जाओ, कल चली जाना। जैसे आपकी इच्छा मालकिन। सीमा अपना काम कर लेती है और शाम को मालकिन और साहब दोनों उसके पास आकर कहते हैं। सीमा, मैंने और सुजाता ने फैसला लिया है। जी साहब बताइए। सीमा, हम चाहते हैं कि तुम हमारी बच्ची बनकर हमारे साथ रहो। सीमा, भगवान ने हमें सब कुछ तो दिया है पर एक चीज जो हमारे पास नहीं थी वो था बच्चे का सुख। पर अब तुम दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि भगवान ने हमारी ये भी इच्छा पूरी कर दी है। मालकिन, मालकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सीमा, हम सोच रहे हैं कि तुम और तुम्हारा भाई सुनील हमारे साथ ही रहे और तुम्हारा हर न्यू ईयर हम एक बहुत ही स्पेशल दिन की तरह बनाएंगे और तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करेंगे। मालकिन आप ये क्या कह रही है? हाँ बेटा, हम सच में तुम्हें अपने बच्चों की तरह पालना चाहते हैं और अब तो नया साल भी आ रहा है तो हम सारे मिलकर पार्टी करेंगे और सेलिब्रेट करेंगे। फिर सीमा और उसका भाई सुनील दोनों वहीं रहने लगते हैं। नए साल के दिन दोनों भाई बहन के लिए उनके माँ बाप न्यू ईयर पार्टी रखते हैं और उनकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। सीमा और सुनील को भी न्यू ईयर पर एक अच्छी फैमिली मिल जाती है और वो बहुत ही खुश थे। सीमा भी अब स्कूल जाने लगी और दोनों बच्चों की पढ़ाई मालकिन और साहब ही संभाल रहे थे। जिस नए साल के लिए सीमा मेहनत कर रही थी वो उसकी सोच से भी ज्यादा अच्छा बन गया और उसके जीवन में ढेर सारी खुशियां आ गई। दोस्तों, अगर आप भी ऐसी हिंदी मॉरल स्टोरीज बनाना सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर डिटेल्स देख सकते हैं।